हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन और मैं थोड़ी सी चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो लेने बाहर आई थी। और दोपहर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आप देख सकते हो रोड को कितना, मतलब बारिश का पानी बहुत जगह पे मतलब जम गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गणेश पूजा है कल, तो यही रौनक है बाहर। हर जगह उन्हीं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। और हर जगह जो इको फ्रेंडली गणेशा हैं, जैसे जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, तो वही बिक रहे हैं। तो यहाँ देखिए यही वाले गणेशा लेने हैं सबको, क्योंकि ये हमारे जो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप केमिकल्स या प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो मूर्तियाँ हैं वो लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं आप ही के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें शेयर करने स्कूटी को बहुत धीरे चला रही हूँ। फ्रेंड्स, आप ब्लॉग के एंड तक बने रहें क्योंकि आगे जो मार्केट है वहाँ पे और ज़्यादा ऐसी रौनकें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कल छुट्टी है बच्चों की और बच्चे आप देख सकते हो अभी स्कूल से वापस घर जा रहे हैं, और यहीं पे मेरा स्कूल भी है और बहुत पास है। वैसे मैं स्कूल से ही जाने के टाइम मैंने लिया नहीं था, क्योंकि मुझे अपने सिस्टर को भी बाहर घुमाने लेकर आना था, क्योंकि वो घर में ही रहते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो उनको भी लेके आते हैं बाहर। और शाम का जो माहौल होता है बहुत अच्छा होता है, मतलब थोड़े रौनक रहती है बाहर। और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा बारिश भी थी यहाँ पे, तो अभी रुकी है बारिश, तो हमने सोचा चलो बाहर अपने ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाते हैं घर। फ्रेंड्स, हम आ गए थे सुपरमार्केट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी डेकोरेशन के, जो पूजा में यूज़ होते, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें हैं यहाँ पे। और दिवाली के दिए जो होते हैं वो भी अभी से मतलब मिलने लगे हैं, और इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं ये सारी चीज़ें। तो मुझे तो चाहिए थे कि मैं फ्रूट्स लेने हैं, तो मैं इसलिए फ्रूट्स लेना है, लेकिन आप सबके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स वाले जो डोर्स पे डेकोरेशन करते हैं ना, वो वाले हैं ये। तो यहाँ पे मैं थोड़े फ्रूट्स ले लूँगी और कुछ चीज़ें जो घर पे नहीं हैं वो ले लूँगी और फिर निकलूँगी घर। और ये अंकल जी को चाहिए थे कि वो वाले फ्रूट्स, उनको समझ नहीं आ रहे थे कैसे लेना है, तो मैं उनकी हेल्प कर दे रही थी। उन्होंने पूछा था बेटा दे दो मुझे ये वाले चुन के अच्छे वाले, तो मैं उनका थोड़ा सा हेल्प कर दिया था। और हमारा तो बिल बन गया और मैं निकल रही हूँ अभी घर के लिए। उससे पहले और अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिलेंगी तो याद आएंगी तो वो भी मैं लेके जाऊँगी। तो मेरे बहन ने कहा था कि यहाँ पे अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं आज, मतलब बहुत ताज़े फ्रूट्स हैं, तो चलो ले लेते हैं यहीं से। लेकिन हर एक चीज़ इतना ज़्यादा कॉस्टली है आज। थोड़े से फ्लावर्स भी आपको एक छोट जो हर दिन 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ में मिलते हैं, वो आज 50 या 60 मिल रहे हैं। पपली आ आ
फ्रेंड्स हम बाहर जाके आते हैं ना तो सारे ही कैट्स बहुत दुखी हो जाते हैं कि क्यों गए थे हमको छोड़ के बाहर। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा फिर इनको लाड़ करना पड़ता है तब जाके ठीक होते हैं। तो अभी मैं बाहर से आई इसलिए फिर हैंड वॉश करती हूँ और फिर ना डिनर की तैयारी करती हूँ। और चलिए फटाफट से ना इजी और टेस्टी वाला जो डिनर है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रोटी का आटा गुना हुआ है, मतलब हमारे आने से पहले जो मम्मी ने गुन के रख दिया था तो बोला सब्जी बना लो, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अंडा भुर्जी। और सबको मतलब यही खाना था और वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अंडा भुर्जी। तो फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है रेडी हैं तो इनको मैं फटाफट से कुक कर देती हूँ और आप भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए फ्रेंड्स। और व्लॉग्स को देखते रहिए, आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर लीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और आप भी आ जाए डिनर खाने हमारे साथ रोटी और अंडा भुर्जी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल की एक बहुत ज़्यादा प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।